ले लगता रहता है और ये लगाते रहते हैं, ये दो है तो इसका वही काट कर कटिंग करके और इसको फिर से सिलाई चलाएंगे, ऐसे करके सिलाई चलाएंगे, जब ये बादी बना करके फिर इसमें ज्वाइंट करेंगे, ये ऐसे करेंगे। और ये हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? और आप ठीक रहिए, और अब हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि आप ठीक रहिए और आपकी दुआ से मैं भी ठीक रहूं। और हमारे आज अभी बैग का काम हो रहा है, तो मैं ये रबर है और ये रबर पर दूध लगा करके, गम लगा करके और इसमें चिपका रही हूँ अभी। और अभी ये पूरा चिपका लिया हूँ। अब ये एक और है, तो ये रबर है, ये रबर है, इसको इस पे फोम पे और लेदर पे चिपकाना होता रहता है लेडीज बैग के लिए। तो ये चिपक गया हुआ है, तो फिर इसको कटिंग करेंगे, ये बीच से कटिंग करके और दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग कर कर के उसके बाद ये बैग बनते हैं लेडीज बैग, उसमें ज्वाइंट करेंगे। तो हमारे अभी बैग का काम चल रहा है अभी, तो ये तल्ला है और ये दोनों तरफ का पार्ट है, सभी कटिंग हो करके और रखा हुआ है। तो अभी ये पूरा दूध लगाना बाकी है, सभी में दूध लगाएंगे और सबको ये करेंगे। और इधर में ये कटिंग हो करके फोम और लेदर भी रखा हुआ है, तो ये फिर मैं आगे करूँगी। और आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही ये लेडीज़ बैग है, यही बनता रहता है, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता रहता है और मार्केट में ये अभी बहुत चलती है और बहुत चलते हैं, सभी ज़्यादा यही बैग लेते रहते हैं, यही बैग। और देखिए इसमें तीन जीप लगा हुआ है, तीन जीप लगा हुआ है, डिजाइन डिजाइन में बनता रहता है। और इसमें अंदर पैकेट भी है, इसमें ये देखिए ये पैकेट भी लगा हुआ है अंदर में ये। और इसका अभी बहुत चलती है, ये ज़्यादा यही लेते हैं मार्केट में और लोगों खरीदते हैं, लेडीज लोग ज़्यादा यही खरीदते हैं, यही पसंद करते रहते हैं। ये बैग है, बहुत खूबसूरत लगता रहता है देखने में और अच्छा लगता रहता है। इसमें हैंडल लगाना सिर्फ बाकी है, हैंडल इसका बन बन गया हुआ है, लेकिन इसमें अभी सेटिंग नहीं किए, ये में बाद में भी सेटिंग हो जाता रहता है। तो चलिए आपको फिर मैं आगे दिखला रही हूँ। तो अभी मैं फिर आपको आगे बतलाते रहूँगी और बतला रही हूँ कि ये देखिए ये लूप, इधर मैं लूप सिला रहा है, ये लूप है और ये सिला गया हुआ है ये लूप, और ये डोरी है, ये लगता रहता है, ये लूप में लगेंगे, ये लूप में लगता रहता है। और ये सिलाने को बाकी है ये सभी, और ये सभी सिलाने को बाकी है, नीचे में बहुत ज़्यादा है, सभी अभी नहीं सिलाना है, दो डिजाइन में है। और ये बादी है, बादी भी बोलते हैं और बद्दी भी बोलते हैं, तो इसमें फंसाना पड़ता है, फिर इस पे दोबारा सिलाई होगी और दोबारा सिलाई कटी, पहले कटिंग हुआ, कटिंग करके फिर सिलाई करेंगे, सिलाई करके उसके बाद फिर इसमें इसमें फिर ज्वाइंट करेंगे, इसमें ऐसे इसमें लगाएंगे, फंसा करके लगाते रहते हैं, ये सभी है। और ये अभी तो ये सिलना बाकी है, ये अभी नहीं सिलाना हुआ है, ये अभी सिलाना बाकी है, तो ये दोनों को ज्वाइंट करके जब इस पे सिलाई चलाना पड़ता रहता है। और ये बादी है, ये लगा बिल्कुल वही है, पूरा ही सिलाना सिलाना हुआ है, ये पूरा सिलाना हुआ है, फिर इसको दोबारा से कटिंग करना पड़ेगा, तो फिर इस पे मशीन चला करके सिलाई करके तो फिर इसको तैयार करेंगे। और ये लूप है, ये लूप है, ये जैसे ये लगाए हैं ये लूप है, वैसे ये भी लूप है, तो इसमें फिर सिला करके जब ये ऐसे होगा ये लूप। तो चलिए दोस्तों, आगे जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूँगी।
और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमको बहुत सारे मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छा होगा और बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी हमारे वीडियो को देख करके आप भी मोटिवेशन हो सकते हैं और कर सकते हैं।